हेलो फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है मेरा बर्थडे, इसलिए आप देख सकते हैं सारी सजावट हो रही है। एंड ये मैं आपको मतलब एक्स्ट्रा वीडियो है, और ये मैं मंडे को नहीं लाने वाली, मंडे पे तो कोई और आएगा। मेरा बर्थडे 17 अगस्त को है, और आप भी ये ज़रूर बताइएगा कि आपका बर्थडे कौन सी डेट को है। ऐसा नहीं है कि है ना मैं सबके याद रखूँ, किसी किसी के भूल सकती हूँ, इसलिए बुरा मत मानिएगा। और पर आप शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरी मम्मा सजावट कर रही है, मैंने भी की थी लेकिन वीडियो नहीं ले पाए। और आपको भी ये अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बताएं, और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट मतलब कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा। एंड बाद में यहाँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये कपड़ों की सजावट मम्मा ने ही की है, और सारी चीज़ें तो मार्केट से लाए हैं। और ये जो कपड़े हैं ये मम्मा ने अंदर रख रखे थे पहले से ही, किसी और काम के लिए मतलब ऐसे ही रखे हुए थे, और मम्मा ने इसमें यूज़ कर लिए। और यहाँ पर देखिए मेरा शैतान भाई इधर से उधर उधर से इधर हो रहा था बार बार। और ये देखिए मतलब यहाँ मेरे बर्थडे पार्टी पे कौन कौन आए थे वो बता देती हूँ। कुछ मेरे आस पड़ोस के फ्रेंड्स एंड मेरी चाची और उनकी दो बच्चियाँ वो भी आई थी, और मेरे मामा मामी आए थे जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है। और यहाँ पर मेरी मम्मा और मामी और चाची तीनों रसोई में कुछ बना रही थी तब। और ये देखिए यहाँ पर ये गिफ्ट लेकर आ गई है छोटी, जो पीछे से देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पिंक कलर का ये जो केक दिख रहा है ये मुझे बहुत पसंद आया, मतलब मैंने जैसा कहा था सेम वैसा ही आया है। एंड अभी हम इन्हें देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे मामा, और वो तेजस जो बिल्कुल शैतान है, शैतानियाँ कर रहा था। और अभी यहाँ पर देखिए मैं अभी कैंडल्स को फूंक मारी थी, तो मैंने सबको पहले से ही बोल रखा था कि आपको तालियां बजा के सेलिब्रेशन करना है जैसे ही मैं फूंक मारूं, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। और देखिए सब इतना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो बच्चे आए थे वो भी थे, लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे, तो फिर हम वो साइड में ही थे। एंड उन्होंने डांस किया था, बहुत इंजॉय भी किया था, लेकिन वीडियो नहीं लिया था हमने। और फिर हमने भी डांस किया था उनने के साथ, बाद में वो गए थे तब भी हमने डांस किया। तो ये आप हमारा सेपरेट डांस ज़रूर देख लीजिएगा और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। और हमारे तेजस ने तो बहुत ही मतलब नटखट वाला डांस किया था। एंड ये देखिए सबको मैंने खिलाया, और तेजस ने कहा था कि सबसे पहले मुझे ही खिलाना है भले ही कुछ भी हो जाए भुक्कड़। एंड ये सबसे छोटी ने गिफ्ट दिया, फिर तेजस ने गिफ्ट दिया, और ये मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया जो एक डॉल थी। एंड मुझे ये डॉल बहुत अच्छी लगी, मुझे सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे। एंड अभी ये सब फोटोज़ खिंचवा रहे हैं। जो छोटे भानु मामा जी वो यहाँ पर आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन गिफ्ट पहले ही ऑर्डर कर दिया। और मम्मा इतनी शैतान है कि मम्मा ने अपने रूम में पहले से ही छुपा के रख दिया, तो उनका वो गिफ्ट मैंने इन मामा जी के हाथों हम बर्थडे तो मना रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पूरे दिन बहुत काम किए थे हमने। पहले तो ये डेकोरेशंस वगैरह, फिर बलून्स फुलाए थे, और मतलब बहुत थक गए थे हम। एंड फिर हमने रक्षाबंधन का भी प्रोग्राम साथ में ही कर लिया, तो क्योंकि हमारी बहनें भी आई हुई थी तो हमने राखी बंधवा ली, और मामा जी भी आए हुए थे। और फिर रक्षाबंधन को इतनी दूर से वापस भी तो थोड़ी आ सकते हैं। और फिर मतलब राखी का जो होगा प्रोग्राम वो पूरा मम्मा के चैनल पे या मम्मा के वीडियो पे मिल जाएगा। तो अब मेरी केक वाली डॉल कटने जाएगी, और मतलब मेरे को दुख तो हो रहा है लेकिन बहुत मज़ा आएगा क्योंकि केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और अब बच्चे केक के लिए बहुत तरस रहे थे तो दे ही दिया, और फिर डांस वांस का प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए टैडी भी मेरे पास बैठा है, और गुड़िया सो रही है, और मैं ये फ्लावर पॉट लेके बैठी थी।
एंड अभी मेरे मामा जी मेरा ये जो भी कहते ताज कहते हैं क्या कहते हैं वो सही कर रहे थे, और मम्मा सबको केक बांट रही थी। एंड अभी सब मम्मा मामा जी को देख के सबसे बटवाएगी। अब पहले सब लोग केक खा लेते हैं फिर डांस करेंगे, यानी कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना, जैसे कि पेट दूजा फिर काम दूजा। तो वो मम्मा बोलती रहती है, मुझे से अच्छे से याद नहीं आया। हमेशा बंद नहीं करती आप पहले।